हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज आपने देखा कि सुबह 9:30 बजे से गेस्ट आने शुरू हो गए भारत मंडप मंडपम में, और वन बाय वन सब लोग आते रहे और मोदी जी ने सबको ग्रीट किया, वेलकम किया। तो एक चीज़ नोटिस किया होगा कि मोदी जी ने अपने खड़े होने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस को ही चुना अपने लिए, वो पर्टिकुलर लोकेशन। तो सारे गेस्ट आ रहे हैं तो उनके पीछे आप देख रहे हैं कि एक व्हील बना हुआ है। तो उस व्हील का क्या है, मतलब वो व्हील क्यों, उन्होंने क्या सोच रखते हैं, मोदी जी मानना पड़ेगा। तो उस व्हील के बारे में बताते हैं कि ये इसको कोणार्क व्हील बोलते हैं, और इसका रेप्लिका है ये। सन टेम्पल है पुरी में, उसमें ये स्थित है, और ये 13वीं सेंचुरी में बनाया गया था, जिस समय कि वहाँ के राजा नरसिम्हा देवावन थे, वो उनके समय में ये बनाया गया था। ये टाइम कॉन्सेप्ट पे आधारित है, और इसका मतलब, व्हील का मतलब जो है, डेमोक्रेसी और एडवांसमेंट से भी रिलेट करते हैं लोग इसको। तो ये मोदी जी ने इस जगह को चुना, और आप देखिए कि सारे गेस्ट को रिसीव करते समय मोदी जी के फेस में कितना कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट बिल्कुल कॉन्फिडेंट मोदी लग रहे थे उस समय। और इतना बड़ा ओकेजन है ये, इतनी बड़ी समिट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि जो दिल का सच्चा होता है, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं होता, तो वो कॉन्फिडेंट रहेगा ही, सच की हमेशा जीत होती है। तो वो मोदी जी इस तरह के हैं, और मोदी जी एक तरह से इंडियन सेंटिमेंट को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। सारे इंडिया के लोग भी यही यही चाहते हैं, यही समझते हैं। और फिर आपने देखा कि जैसे ही शुरू हुआ इजलास, जैसे ही इनका ये जी समिट शुरू हुआ, जैसे G20 समिट, इमिडिएटली उन्होंने साउथ अफ्रीका को 21st मेंबर G20 का बनाने का ऐलान किया, और सारे लोगों ने एकदम पिन ड्रॉप, आपने देखा होगा, सारे लोगों ने उसको कंफर्म किया, उनको सपोर्ट किया मोदी जी को। और इमिडिएटली उन्होंने भी साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को बुलाया और उनको जो है उनके सही स्थान पर बैठाया। तो अगली बार से आप देखेंगे कि 20 झंडे में एक और झंडा जुड़ जाएगा, एक ऐसा झंडा भी रहेगा। और सारे बड़े बड़े नेता कितनी खुशी से मोदी जी से मिल रहे थे। इतने बड़े फंक्शन को ऑर्गेनाइज करना कोई आसान काम नहीं है। सारे नेता कितने खुश लग रहे थे। एक वही चाइना का प्राइम मिनिस्टर थोड़ा मुंह लटकाया हुआ था, पता नहीं उसको क्या दिक्कत है इन लोग को। तो ये हम लोग देश को गौरवान्वित करने वाली चीज है। मोदी जी के दिल में हमेशा ये रहता है कि हम भारत के लिए ऐसा क्या कर दें कि भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में बढ़ जाए, ऊपर हो जाए, काफी नाम हो जाए देश का, और देश को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात एक करके मोदी जी एफर्ट कर रहे हैं। मैं कोई मोदी जी के भक्त होने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ट्रुथ है, ये सब लोग को दिखता है। जो हमारे यहाँ अपोजिशन के लीडर हैं वो तो अंधे हैं, उनका तो काम ही क्रिटिसाइज करना है, उनको तो छोड़िए। और एक एक जो है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, उसको भी बुखार चढ़ गया है कि अपने यहाँ उसने G20 के बारे में कुछ भी बताने के लिए बैन कर दिया है, कुछ नहीं बताना। अब बताइए, इतना घटिया सोच पड़ोसी देश का, वो देश कैसे, उसका तो कोई फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है मुझे। पाकिस्तान का बहुत ही गया गुजरा देश है। अब वो दिखाएंगे वहाँ पे कि ये तालिबान TTP ने यहाँ अटैक कर दिया, वो हमने डॉलर वालों को पकड़ लिया, यहाँ ये हो गया, उनके देश में सब भूखों मर रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं। गवर्नमेंट कुछ, आर्मी चीफ को कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपने सब पैसा ले लेके खा खा के मोटे हो गए हैं सब, और बस इंडिया से दुश्मनी। पब्लिक भी उन्हीं के हाँ में हाँ मिला के इंडिया से दुश्मनी की बात करती है, हम इंडिया को ये कर देंगे वो कर देंगे। तो देखो, मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तानी, तुम देखो, देखोगे छुप छुप के, चैनलें चला के चुप चोरी चोरी देखोगे, लेकिन उनके न्यूज़ चैनलों पर नहीं आएगा। लेकिन पाकिस्तानी जो है ना, थोड़ा जो पढ़े लिखे हैं, वो देखेंगे इसको, देख देख के जलेंगे। आज कल अगर अपना वेट नापेंगे ना पाकिस्तानी, परसों तो देखिएगा सबका 1-1 KG वेट कम हो जाएगा, खून जल गया होगा उनके शरीर का देख देख करके। तो
पाकिस्तानी इतनी बड़ी दुश्मनी रखते हैं, और इंडिया शान से बढ़ता रहेगा, तुम लोग पाकिस्तानी देख के जलते रहो, मरते रहो, जो मर्जी है करते रहो। हम तो मोदी जी के बहुत ही आभारी हैं, एक तरह से बहुत ही उनका एफर्ट जो है ना, इस 9 साल 9.5 साल में मोदी जी ने इंडिया को नए एम्पलीट्यूड पे लेकर चले गए हैं, नया नया आयाम दिया है मोदी जी ने, जिसको जो कहना कहे, लेकिन वो दिल से देश को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी G20 का तो शुरू है, अब देख रहे हैं कि डिक्लेरेशन भी शुरू होने वाला है, और वो डिक्लेरेशन लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया है, इस समिट का डिक्लेरेशन भी आएगा। तो मोदी जी जिंदाबाद। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। फिर मैं आगे G20 पे एक और वीडियो बनाऊंगा। नमस्कार।